हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मेरे वीडियो में बताने वाला हूँ जेसीबी की खुदाई। जो हैशटैग है जेसीबी की खुदाई बहुत ट्रेंड कर रहा है, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इस पर कई तरह के मीम्स बने जा रहे हैं और यूट्यूब पे इसमें मिलियन मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। ये जो जेसीबी की खुदाई का जो मीम्स निकला है, मीम्स में बताया जा रहा है कि हम इतने वेल्ले बैठे, जॉबलेस बैठे कि जेसीबी की खुदाई यूट्यूब पे देख रहे हैं, उसके लिए उसमें इतने मिलियन व्यूज जा रहे। तो दोस्तों, तो आज के मैं वीडियो में इसी पे बात करने वाला हूँ, ये क्यों ट्रेंड हो रहा है जेसीबी की खुदाई। मैं मनोहर आ गया एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, मुझे तो पहले लड़कियों के ऊपर से तो भरोसा कब का उड़ चुका है, तो अभी मुझे यूट्यूब के ऊपर भी भरोसा था, अभी वो भी भरोसा उड़ चुका है। इंडिया में कुछ भी BC MC चीज़ें हो सकती है, कभी भी कोई भी चीज़ ट्रेंड कर सकती है, इधर कुछ ठिकाना ही नहीं, कभी भी कुछ भी ट्रेंड हो सकता है। मैंने खबर देखी, जो ट्रेंड हो रहा है बहुत, तो मैं सोचा यार अभी कुछ नहीं हो सकता है हमारा, हमारी वीडियो कौन देखेगा, हम जैसे गरीब जो वीडियो बनाते कौन देखेगा। अबे यार, लोगों के पास इतना वेल्ले बैठे हैं कि जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं, सच में यार अभी भरोसा उड़ गया। पहले एक लड़की थी जिसने आंख मार के पूरा प्लेटफॉर्म उड़ा दिया, आईब्रो उड़ा के पूरा प्लेटफॉर्म हिला दिया उसने, वो तो ट्रेंड करते गई। फिर एक अंडा आया इंस्टाग्राम पे, वो भी बहुत ट्रेंड कर दिया और मोस्ट लाइक्ड पिक था क्या अंडा। ऐसी फालतूगिरी कर रहे हैं ऑडियंस समझ ही नहीं पा रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें ट्रेंड होनी चाहिए। और देखो, यही एक मेन रीज़न है, क्योंकि कोई कोई लोग रहते हैं जो टिकटॉक पसंद नहीं है उन्हें। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि कोई भी रातों रात फेमस हो जाता है, वो उसको डिजर्व नहीं करता है, फिर भी फेमस हो जा रहा है। अभी जेसीबी, अरे यार, जेसीबी जो कंपनी है इतनी खुश हो चुकी है, क्या बोले, उनको लग रहा है कि हम लोग ने कोई सुपर कार से भी अच्छा कोई चीज़ बना दिया है। वो ट्वीट करके बता रहे, खुशी बता रहे, आपने इतना सपोर्ट दिया उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि देखो यार, मम्मी ध्यान से सुनना, मेरे को अभी 12वीं के बाद गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे एक जेसीबी दिलाओ, समझे। अभी लड़कियों को भी बाइक पसंद नहीं आएगी, अभी KTM ड्यूक पे कोई लड़कियां नहीं बैठेगी, बोलेगी जेसीबी लेके आ भाई। जेसीबी की ड्राइवर तो इतना खुश हो गया, अभी तो मुझे पढ़ाई भी नहीं करना है बैंडी, जेसीबी चलाना। अरे जेसीबी इतना ट्रेंड कर रहा है यार, क्या बोलने का। अभी जेसीबी देखो, हम कोई भी एरिया में अगर आपने देखा हो जेसीबी की खुदाई होती तो इतने जन देखते, ये एक चीज़ है जो इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है लोगों को, इसके पीछे एक रीज़न भी है। और ये ट्रेंड कर रहा है, यार बहुत दिल पे दर्द हो रहा है, यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम ट्रेंड नहीं कर पा रहे, और ये जो चीज़ें यार ट्रेंड होती जा रही है, मन करता है रोस्ट करूँ, मन कर रहा है इतना कि गाली दूँ ना, गाली यहाँ तक आ रही, वापस पीछे लेना पड़ रहा, क्योंकि मैं गाली दे दूँ ना घर वाले फ़ोन करें, अरे बेटा तेरे को यूट्यूब करने दिया तो क्या गाली भी देना चालू कर देगा। अरे यार दोस्तों, क्या बताऊँ, इतना अंदर से दर्द हो रहा है ना यार। सनी लियोनी जी ने जो किया ना, बहुत अच्छी चीज़ किया, करियर चेंज लोल, उन्होंने कैप्शन दिया, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जेसीबी के साथ, वो जो किया उन्होंने बहुत सही किया, उन्हें पता चल गया था कि जेसीबी ट्रेंड होने वाला, और उन्होंने फटाफट से एक फ़ोटो खींच लिया और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, और नीचे कैप्शन भी था करियर चेंज। जी हाँ, अभी मुझे पढ़ाई विढ़ाई कुछ नहीं करना है, मुझे भी जेसीबी सीखना है, मुझे भी जेसीबी चलाना है यार। क्या बताऊँ आपको, जेसीबी हर जगह छा रहा है, जेसीबी का कल से मेरे दिमाग में ना सुन के मैं पागल हो गया, देख रहा हूँ मीम्स पे मीम्स बनते जा रहे हैं। मीम्स वाले तो सिर्फ देखते कौन सी चीज ट्रेंड हो रही है, बस भूखे नंगे बैठे, बस फायदा उठाना है। और ऐसे भी बात की जा रही है कि मीम्स में कि किसी ने मीम बनाया कि हम इंडिया में इतने जॉबलेस है कि यूट्यूब पे जेसीबी की खुदाई देखने बैठे, क्योंकि व्यूज आ रहे हैं ना यार उतने, कोई कोई 30-30 मिलियन जा रहे हैं, 10-10 मिलियन व्यूज जा रहे हैं सिर्फ जेसीबी की खुदाई। अभी क्या बताओ आप दोस्त, आपको लोग को दोस्तों, यार मेरे देने का मन कर रहा है ये BC MC जो भी ये फालतूगिरी होते जा रहा है इंडिया में, जेसीबी की खुदाई, आर यू सीरियस गाइस, यार जेसीबी की खुदाई ट्रेंड कर रही है, क्या बताओ। तो ये सब छोड़ो दोस्तों, यार ये तो ट्रेंड होना ही था, जैसे कि ये प्रिया प्रकाश वॉरियर ने गोली मार के पूरा ट्रेंड कर दिया है, ट्रेंड तो होना था, और हम ऑडियंस इतने पागल है कि कोई भी चीज़ हम ट्रेंड करा देते हैं, तो ये सब तो होते रहेगा इंडिया में, कीप इट असाइड। अगर आपको मैं रीज़न बताओ ये चीज़ें ट्रेंड की होती है, ट्रेंड तो छोड़िए आप, वो प्रिया प्रकाश और वो सब छोड़िए, इसके पीछे एक रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप कोई भी काम ना परफेक्टली करोगे ना, तो उसको देखने में बहुत मजा आता है आपको, सेटिस्फाइंग वीडियोज़ रहते हैं, कुछ क्रेयॉन्स को काटते हो लोग,
स्लाइम को ऐसे ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा वीडियो इंटरनेट पे बहुत सारे। वो जब अगर आप वीडियो स्टार्ट करते हो ना, उसके बैक करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको वो देखने में मजा आता है। उसको भी बीच में ट्रेंड हुआ था वो ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियोस करके। मतलब हमारा यहाँ पे एक लॉजिक है, हमारे ब्रेन में ना एक डोपामिन नाम का हार्मोन होता है, वो जो रिलीज होता है, मतलब वो खुशी का हार्मोन है, हम हैप्पी हो जाते हैं, उसे देखने में मजा आता है हमें। अभी समझिए, और जेसीबी की जो खुदाई होती है हमारे एरिया में या कहाँ पे भी, वहाँ पे लोग इकट्ठा क्यों होते हैं देखने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक जेसीबी है जो खुदाई कर रही है, मीन्स ये जगह खोद रही है, और ये क्या परफेक्टली हमारा काम कर रही है, मोशन में खोद रही है फिर मट्टी उठा रही है, खोद रही है फिर मट्टी उठा रही है। तो ये देखने में ना मतलब लोग ना मतलब स्टॉप हो जाते हैं वहाँ पे, उन लोगों का दिमाग ना थम्स जाता है, बस मन करता है कि इसे देखते रहे करके। तो यही मेन रीज़न है कि जेसीबी की खुदाई इतनी ट्रेंड हो रही है। और सच्ची बता रहे यार, मैं भी जब छोटा था ना, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मैं जब छोटा था मैं 7th फ्लोर पे रहता था, तो रोड पे मैं सबको देखता रहता था आने जाने वालों, मैं स्कूल से आता था बस वही काम करता था बैठे बैठे। तो फिर एक टाइम क्या हुआ कि मेरे बिल्डिंग के एग्जैक्ट सामने ना एक न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मुझे वो कंस्ट्रक्शन देखने में इतना मजा आता था कि मैं स्कूल से जाने से पहले 5 मिनट देख के जाता था, स्कूल से आने के बाद 2-2 घंटे बैठ के बस वो कंस्ट्रक्शन में देखते रहता था, वो लोग कैसे सीमेंट लगा रहे, कैसे पिलर्स बना रहे, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो यही जेसीबी की जो खुदाई हो रही है, इसमें भी यही चीज चल रहा है, मतलब जो आप चीज देख रहे हो ना, आपके इंटरेस्ट से देख रहे हो, आपका ब्रेन वहां पे फ्रीज हो जा रहा है, आपको बस मन कर रहा है देखते रहे देखते रहे। और ये याद रखना, जहाँ पे जेसीबी की खुदाई चलती है वहाँ पे लोग जल्दी नहीं हटते, वो बहुत देर तक उसे वॉच करते रहते। पता नहीं हमारा, शायद हमारे इंडिया में सबके पास इतने वेल्ले टाइम पड़े, पर वेल्ले टाइम की बात नहीं है, मतलब ये एक इल्यूजन है, एक मतलब रीजन है इसके पीछे क्यों वॉच करते करके। पर जो मीम्स है, मीम्स का मतलब क्या है, मजाक उड़ाना, ट्रोल करना, तो इसे भी ट्रोल किया जेसीबी को भी बहुत सारे मीम्स भेजने में। मतलब हम इतने वेल्ले बैठे, जॉबलेस बैठे, यूट्यूब पे देख रहे हैं आप कैसे बना रहे हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, 50 kg चिकन, 50 pizzas, मतलब 10 kg बिरयानी, ऐसे सब लोग बनाते रहते, मतलब बुढ़े इंसान रहते वो बनाते रहते काट काट के, लंबे लंबे वीडियो होते 10-10 मिनट के, फिर भी उस पर मिलियन व्यूज होते। मेरे पापा खुद देखते हैं यार, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मतलब हम उसे खा तो नहीं सकते, पर जो देखने में मजा है ना, वो अलग ही मजा होता है। अगर आपको भी उसमें मजा आता है देखने में, तो कमेंट करके मुझे बताइए आपको भी मजा आता है कि नहीं, क्योंकि मैं भी जब छोटा था वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस में देखता था, और मैंने उसको, तो दोस्तों समझिए आप, तो आप भी जेसीबी की खुदाई इसलिए देखते होंगे, इट्स माय ओपिनियन, मैं सोचता यही रीजन होगा इसके पीछे, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है, ठीक है। ह्यूमन माइंड को कभी क्या पसंद आ जाए मालूम नहीं, किसकी कौन सी लड़की के साथ हमें प्यार हो जाए ये पता नहीं। और सनी लियोनी जी ने तो मतलब बहुत अच्छा दिमाग चलाया, उन्होंने फटक से ट्रेंड होने से पहले पोस्ट कर दिया फोटो, क्योंकि मतलब वो भी ट्रेंड होते जा रही है, और जो मीम्स वाले उनके फोटो डाल के ट्रेंड करा रहे हैं, मतलब ये मीम्स, मतलब मीम्स का बहुत बड़ा हाथ होता है कोई भी चीज़ ट्रेंड कराने में, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपको वापस मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।